हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वीनू और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वीनू डायरीज। आज हम बनाएंगे घर पर स्पंज रसगुल्ला, ठंडे रसगुल्ले। ये घर पर बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। कुछ लोगों को होता है कि हमारे रसगुल्ले बनते हैं लेकिन वे या तो क्रैक हो जाते हैं या अंदर से उनमें रस नहीं भरा होता है, लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपका रसगुल्ला बहुत ही अच्छा बनेगा, एकदम बिल्कुल मार्केट जैसा। ना ये अंदर से क्रैक होंगे और उनमें रस भी भरा रहेगा। बस आप मेरी ट्रिक्स जो मैं बताऊंगी उसको फॉलो करिए और मेरी ये वीडियो अंत तक देखिए ताकि आपको सारी ट्रिक्स अच्छे से पता चल जाए। चलिए फिर शुरू करते हैं अपना स्पंज रसगुल्ला। स्पंज रसगुल्ला बनाने के लिए मैंने ये काउ मिल्क लिया है। आप भैंस का भी ले सकते हैं या मिल्क पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन इससे रसगुल्ले ज़्यादा अच्छे बनते हैं। दो नींबू का रस लिया, इसकी जगह आप विनेगर भी ले सकते हैं, रोज़ वाटर, और ये इलायची पाउडर लिया, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, और दो कप मैंने चीनी लिया है। चलिए फिर सबसे पहले अपना छेना तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने ये एक पैन लिया और उसमें मैं ये दूध ट्रांसफ़र कर देती हूँ। अच्छा, आपको अच्छा छेना तभी तैयार होगा आप इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। आपको इसमें पानी नहीं ऐड करना है। मैं बॉईल आने तक अब इसको गर्म करती हूँ। देखिए मेरा दूध बॉईल हो चुका है, अच्छे से बॉईल हो रखा है। मैं गैस को ऑफ़ कर देती हूँ और मैं थोड़ा सा इसको चला लेती हूँ ताकि इसकी गर्मी निकल जाए थोड़ी सी। वो आपको ठंडा नहीं करना है, बस एक दो बार ऐसे चलाना है। और अब आप नींबू से धीरे धीरे डालते हुए इसको चलाते जाना है, नींबू को ऐड करते जाना है। देखिए मैं आपको सारी ट्रिक्स बताऊंगी जिससे कि आपका भी स्पंज रसगुल्ला बहुत अच्छा बने। बस आपको सारी ट्रिक्स मेरी देखनी है, इनको फॉलो करना है, आपका भी स्पंज रसगुल्ला बहुत अच्छा बनेगा। हम ऐसे ही धीरे धीरे अपना नींबू का रस या विनेगर, हम जिससे भी हम अपना छेना बनाएं, दोनों से ही अच्छा बनता है। और मैं इसमें धीरे धीरे ऐड करूँगी, आपको एक साथ नहीं डालना है। एक साथ डालने से हमारा छेना उतना अच्छा नहीं बनता है। देखिए मैंने धीरे धीरे ऐड किया है, मैं इसको चलाते जाती हूँ। अब ये हमारा फटना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं। और मैं ये सारा इसमें डाल दिया है, आप देखिए। देखिए मेरा दूध अच्छे से ये फट चुका है, अब आप देख सकते हैं। देखिए कितना अच्छा मेरा ये 1 लीटर दूध से इतना छेना तैयार हुआ है। अब मैं इसको छान लेती हूँ, कपड़े में डालकर मैं इसको छान लेती हूँ। ये देखिए मैंने छान लिया है। अब मैं इसको, ताकि नींबू का रस का अच्छे से निकल जाए इसका, तो मैं इसको ठंडे पानी से एक बार धो देती हूँ, क्योंकि अगर नींबू का रस का इसमें टेस्ट रहेगा तो रसगुल्ला हमारा बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। हमें अच्छे से इसको धो लेना है। देखिए हमें मैंने धो लिया, मैं इसको निकाल लेती हूँ और मैं इसको बिल्कुल एकदम हम इसको अच्छे से सुखाएंगे। इसमें ऐसा नहीं कि आपका पानी का मॉइस्चर रह जाए, मैंने इसे निचोड़ दिया है। और आप चाहें तो इसको एक चकले पे भी डाल के दबा के रख सकते हैं। और मैंने दूसरी तरफ अपना ये एक पैन लिया है, इसमें 1 कप मैंने जो चीनी थी बचा था मैं डाल देती हूँ। और उसमें जितना चीनी हमने लिया है उसमें आपको 5 गुना पानी डालना है। तो मैंने 1 कप चीनी ली है, मैं इसमें 5 कप पानी को ऐड कर देती हूँ। देखिए अब हम इसको बॉईल करते हैं, बॉईल होने के लिए रख देते हैं। उधर हमने अपना छेना भी हैंग किया था, देखिए अब ये छेना हमारा तैयार हो गया। इसमें मॉइस्चर आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है, ये अच्छे से दबा कर रखिए, निचोड़ कर, जैसे भी आप ये हैंग करके रखिए, लेकिन इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना है और मॉइस्चर बिल्कुल एकदम ड्राई। आप देख सकते हैं कि मेरा छेना कितना अच्छा तैयार हुआ है, ये कैसे एकदम झड़ रहा है, सूखा सूखा बिल्कुल ड्राई है। और ये इसको एक थाल में ले लीजिए ताकि हम अच्छे से इसको मस लें। और आप इसको देखिए कितना अच्छा तैयार हुआ है, 5 मिनट के लिए मसलना है इसको थाल में, ऐसे ही आप टाइम लगा लीजिए। और इसको एकदम मक्खन जैसा आपको तैयार कर लेना है, अच्छे से मसलते जाना है। ये देखिए मसल के मेरा तैयार हो गया है, अब ये कुछ ये ऐसा बन जाएगा। और आपको इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, ना मैदा ऐड करना है, कुछ भी नहीं। इसको आप व्रत में भी खा सकते हैं। आप इसको इक्वल शेप में इसकी बारीक बारीक सर्कल बना लीजिए। ये मैं इसको हाथ से कर रही हूँ, आप चाहे तो इसको चाकू से भी कर सकते हैं। देखिए ये मेरी लगभग 8 लोइयाँ तैयार हो गई हैं। अब मुझे इसमें एक भी क्रैक नहीं रखना है, बिल्कुल फाइन से मुझे इसको तैयार करनी है। हल्के हल्के हाथ से देखिए मेरी तैयार हो गई, और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं आपको बनाना है, यही आपको सेफ रखना है, क्योंकि हमारे ये पानी में डालेंगे तो बढ़ जाएंगे। हमारा पानी तैयार हो गया, मैं इसमें
एक एक अपना ये छेना का बॉल रख रही हूँ। आपको एक साथ सारी नहीं डालनी है, धीरे धीरे एक एक बॉल आपको इसमें डालते जाना है। थोड़ा सा रुकना है, फिर एक एक बॉल डालना है। वो ऊपर डालते ही नीचे से एकदम तुरंत ऊपर आ जाती है, तो आपका छेना एकदम बहुत अच्छे से तैयार हुआ है। देखिए मैंने अपने सारी बॉल्स इसमें रख दिया। अब हम इसको 15 मिनट तक ऐसे ही उबलने देते हैं। गैस आपको कम नहीं करना है, मीडियम रखना है। और मैं इसका सीरा भी तैयार कर लूँ। बाकी के 1 कप चीनी मैं ले लेती हूँ, 1/4 कप मैंने पानी डाला है। और मैं इसका एक सीरा, एक तार के आपको चाशनी नहीं बनानी है, लेकिन हमें मीठा रखने के लिए, क्योंकि इससे हमारे मीठे नहीं होंगे रसगुल्ले, इससे ही हमारे मीठे होंगे। तो मैं ये इसको उबाल आने देती हूँ। देखिए रसगुल्ला का आप देख सकते हैं ये फूलने लगे हैं। और अब देखिए इधर हमारा सीरा तैयार हो गया है। और 15 मिनट भी हमारे उधर रसगुल्ले को उबलते हुए आप देख सकते हैं कितना अच्छा, कितने फूले फूले बने हैं और बिल्कुल भी क्रैक नहीं आया है। अब मैंने गैस को ऑफ करके मैं इसको निकाल लेती हूँ। अब अपने सीरे में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, लेकिन ये इतने सॉफ्ट हैं, आपको एक साथ एक ही लेके आना है और बहुत ही धीरे धीरे लाना है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हैं, लाते हुए टूट सकते हैं, इसलिए धीरे धीरे इसमें सारे ट्रांसफ़र कर लेने हैं। आप सारे ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो ये आपका रसगुल्ला जैसा मेरा बना है ऐसा ही ये आपका बनेगा। और बिल्कुल एकदम ही हमारा मार्केट जैसा बनता है। और व्रत के दिन भी हम इसको खा सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें मैदा कुछ भी ऐसा ऐड नहीं किया है। और ये खाने में भी उतना ही टेस्टी लगता है जितना मार्केट का लगता है। देखिए मैंने ये इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। ये आपका पानी बच गया है, जब भी आप रसगुल्ले बनाए इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको फेंकना बिल्कुल नहीं है। अब मैं इसमें 1 चम्मच रोज़ वाटर वो भी इसमें ही ऐड कर देती हूँ। देखिए इससे इसकी खुशबू और भी बहुत अच्छी आती है। मार्केट जैसा बनाना है तो मार्केट की तरह ही हमें बनाना भी होगा। आपके पास नहीं है तो आप इसमें इलायची डाल सकते हैं, मुझे इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसमें इलायची भी ऐड कर देती हूँ पाउडर। देखिए अब हमारा तैयार हो गया है। आप खिलाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। ये मेरी अदर वीडियो हैं, इनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप इनको भी ज़रूर ट्राई करिए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए।